अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रीमगर्ल चैनल में आपका खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे और आपके रिज़क में आपके खानों में बरकत दे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नवाजे, आपको सेहतयाब रखे। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ आलू और अंडे की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ईजीली आप इसको झटपट से तैयार कर सकते हैं। इधर मैंने ले ली है 2 अदद प्याज कटी हुई, अदरक लंबाई में काटी हुई, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, 3 अंडे हैं मेरे पास और ये है मेरे पास 1/2 kg पोटैटोस। ठीक है, अब ये थी हमारे इंग्रेडिएंट्स, अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हमने एक साफ़ कढ़ाई ले ली है, अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने ऑयल इसमें ऐड कर लिया है और फ्लेम को हमने चला लिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद प्याज कटी हुई, और इसको लाइट गोल्डन कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड किया है, 1/2 टीस्पून इसमें जो है, 1 टीस्पून इसमें हमने टर्मरिक पाउडर हल्दी ऐड किया है, 1 टीस्पून जो है इसमें हमने धनिया सूखा हुआ, 1 टेबलस्पून दरदरा धनिया, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा, 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर और 1/2 जो है इसमें धड़ा मिर्च हमने ऐड किया। ये आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज लाइट गोल्डन होना शुरू हो गया है, और एक साइड पे आप देख सकते हैं कि मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। जब तक हमारा प्याज ब्राउन होगा, हमारा मसाला तैयार होगा, तब तक ये आलू बॉईल हो चुके होंगे, और इससे बहुत जल्दी आप आलू अंडे बना सकते हैं। आलू को गलने में टाइम नहीं लगता, क्विक 1-2 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएंगे। इसको आप अपने नाश्ते में ऐड करें, बहुत ही जल्दी बनने वाली है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी होती है ये, क्योंकि अंडे में आपको पता है कि कितनी ज़्यादा एनर्जी होती है। जैसे आजकल सर्दियाँ, तो हमें अपनी रेसिपी के अंदर अंडे लाजमी शामिल करने चाहिए, इससे हमारे विटामिन्स वगैरह और हमारी एनर्जी जो है उससे पूरी होती है। जैसे हमारा प्याज हल्का हल्का लाइट ब्राउन होना शुरू होगा, हम इसके अंदर जिंजर अदरक ऐड कर देंगे, इसको भी हम लाइट गोल्डन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि लाइट गोल्डन हो चुका है, अब हम इसके अंदर ग्रीन चिली कटी हुई ऐड कर देंगे। जब तक हम इसको फ्राई कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, और अगर आपकी अपनी कोई फरमाइश है या जो आप चीज़ बनवाना चाहते हैं मुझसे, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी हर डिमांड पूरी करूँगी। मुझे हर रेसिपी आती है, शुक्र है अल्लाह ताला का, माशाल्लाह अल्लाह मियाँ ने हाथ में टेस्ट भी बहुत दिया है, सब मेरे खानों की बहुत तारीफें करते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। घर में आराम से इजीली तैयार होने वाली रेसिपीज़ है, इसके लिए कोई आपको मुश्किल नहीं है। अब हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देंगे। देखिए मैंने अंडा तोड़ लिया है, हर अंडे को आप अलग-अलग तोड़ के डाला करें, ताकि वो कोई बाजू का कोई अंडा ख़राब होता है तो उसकी वजह से हमारे सारे अंडे ख़राब हो जाते हैं, इसलिए अलग अलग तोड़ कर डाला करें। और अंडे को डालने से पहले धोया ज़रूर करें, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे जर्म्स होते हैं,
इसलिए पहले आप उसको अच्छी तरह क्लीन कर लिया करें, फिर उसको धो के अलग अलग बाउल में डाल के फिर आप हंडे में डाला करें। अब ये देख सकते हैं मेरे अंडे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर आलू ऐड करूंगी जो कि मैंने बॉईल कर लिए हैं। बहुत ही जल्दी इस तरह से तैयार हो सकते हैं और आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता और ऑयल भी वेस्ट नहीं होता कि बजाय आप ऑयल रख पाए ये आलुओं को पहले फ्राई करें या उनको आप वैसे हल्के आँच पर रखते हैं उस पर देर लगती है। और आप ये नोट कर रहे होंगे कि मैंने चकोर शेप में पैटो जो है सारे काटे हुए हैं, तो जितनी प्यारी आप उनकी कटिंग करते हैं उससे हांडी की उतनी ही प्यारी शक्ल निकलती है। इस तरीके से आलू और अंडे घुलते नहीं हैं, सारे लदा लदा ऑयल भी निकल आता है इनका और बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब हमारे आलू अंडे जो है वो तैयार है, अब हम इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश कर लेते हैं। हरा धनिया हमने धो के रखा है, इसको आप अच्छी तरह से धोया करें, इसके अंदर मिट्टी और फिर धोया रखी है। और लास्ट में इसके ऊपर जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून हम इसके ऊपर डालेंगे। ये घर पिसा हुआ मसाला है, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत जल्द। बाज़ार से जो गरम मसाला मिलता है उसकी इतनी अच्छी खुशबू नहीं होती। और ज़्यादा कोशिश किया करें कि आप हर चीज़ घर पर बनाएं क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने और साफ़ सुथरी बनती है। इसलिए हमारे आलू अंडे तैयार हो गए, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, कितनी प्यारी लुक माशाल्लाह लग रही है। तो आप इसको इंजॉय करें पराठों के साथ, रोटी के साथ, और खमीरी रोटी के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी रेमेडी है। इसके साथ ही अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला आपको खुश और इबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।